हेलो एवरीवन, इस वीडियो में डिस्कस करेंगे बाइनोमियल नोमेनक्लेचर के बारे में। जो बोटैनिकल नोमेनक्लेचर होता है उसके अंदर कुछ रूल्स होते हैं, कोड्स होते हैं, वो कैसे बने एंड क्या हिस्ट्री रही होगी बाइनोमियल नोमेनक्लेचर की, ये सब हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे फर्स्ट हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे हिस्ट्री के बारे में कि कैसे कैसे कोड बने होंगे। बाइनोमियल, बाई मीन्स टू, ठीक है, यहाँ पे क्या होते हैं टू, एंड नोमियल मीन्स नेम। तो इस बाइनोमियल नोमेनक्लेचर के अंदर बेसिकली किसी भी ऑर्गेनिज्म को, किसी भी स्पीसीज को, चाहे वो प्लांट हो चाहे वो एनिमल हो, उसको दो नाम दिए जाते हैं। जैसे कि ह्यूमन बीइंग की अगर हम बात करें तो इसका नाम है होमो सैपियंस, ठीक है, एक नाम ये हो गया, एक नाम ये हो गया। तो दो नाम दिए जाते हैं जिसमें एक जीनस होता है और एक स्पीसीज होती है। तो ये बाइनोमियल नोमेनक्लेचर होता है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि बाइनोमियल नोमेनक्लेचर के अंदर पॉलीनोमियल्स दिए नाम दिए जाते थे, यानी ये बाइनोमियल नोमेनक्लेचर कार्लिनियस ने दिया था। इससे पहले पॉलीनोमियल नोमेनक्लेचर या फिर पॉलीनोमियल जो सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन है वो फॉलो किया जाता था। यानी कि यहाँ पे क्या होते थे, मोर देन टू नेम्स यहाँ पे होते थे या फिर मोर देन वन नेम्स यहाँ पे होते थे। इसके बाद क्या हुआ, कुछ टाइप के यहाँ पे, जैसे कि सबसे फर्स्ट 1623 के अंदर एक साइंटिस्ट थे कैस्पर बोहिन, इन्होंने क्या किया, लिविंग ऑर्गेनिज़म्स को इन्होंने क्लासिफिकेशन दी कि कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज़म है उसके उसका नाम दो पार्ट्स के अंदर होता है, एक जेनरिक एपिथेट होता है और एक स्पेसिफिक एपिथेट होता है। जेनरिक एपिथेट का मीनिंग हो गया कि जीनस एंड स्पेसिफिक एपिथेट का मीनिंग हो गया स्पीसीज। इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे कार्लिनियस आए, ठीक है, कार्लिनियस आए नेक्स्ट। कार्लिनियस ने 1753 के अंदर अपनी एक बुक है जिसका नाम है स्पीसीज प्लांटेरम, इसके अंदर डिस्क्राइब किया बाइनोमियल नोमेनक्लेचर को, बाइनोमियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन को, बाइनोमियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन या फिर बाइनोमियल नोमेनक्लेचर को, जिसमें क्या किया जाता था, दो नाम दिए जाते थे जिसमें एक जेनरिक नेम होता था और एक स्पेसिफिक एपिथेट पाया जाता था। इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे ऐसे ही जो है, अब ये जो नोमेनक्लेचर है इसके ऊपर कुछ कोड्स वर्क करते हैं, कुछ बायो कोड्स होते हैं जो इसको क्या करते हैं, इसको टाइम टू टाइम देखते हैं कि ये अच्छा चल रहा है या फिर इसके ऊपर एक तरह से रेगुलेशन करते हैं कोड्स। तो यहाँ पे कई टाइप की कांग्रेस हुई, वर्ल्ड वाइड हुई, जिसमें लॉज ऑफ नोमेनक्लेचर को दिया गया एंड टाइम टू टाइम इनके अंदर अपडेशन चलती रहती है। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि क्या हुआ, ये हम थोड़ा सा, ये हमने थोड़ा सा जो है समरी में देख लिया। अब अगर हम इसको थोड़ा सा डिटेल में देखें तो ये जो कंसेप्ट है बाइनोमियल नोमेनक्लेचर का, ये फर्स्टली इंट्रोड्यूस किया गया था कैस्पर बोहिन ने इन 1623 के अंदर, अंडर विच द नेम ऑफ अ लिविंग ऑर्गेनिज्म जिसके अंदर दो पार्ट्स होते थे, फर्स्ट नेम जीनस होता था यानी कि जेनरिक एपिथेट एंड सेकंड डिनोटेड द नेम ऑफ द स्पीसीज दैट इज स्पेसिफिक एपिथेट यहाँ पे होता था। फॉर एग्जाम्पल बोटेनिकल नेम ऑफ द गार्डन पी पाइजम सैटिवम, जिसका नाम जिसके अंदर पाइजम जो है ये जेनरिक नेम है, सैटिवम यहाँ पे स्पेसिफिक एपिथेट होता है। इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे क्या आया कि जो कार्लिनियस है उन्होंने एक्चुअल में बाइनोमियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन प्लांट्स के लिए दिया अपनी बुक स्पीसीज प्लांटेरम के अंदर इन 1753 के अंदर। ऐसे ही इससे पहले बाइनोमियल नोमेनक्लेचर से पहले सेवरल वर्ल्ड का एक नाम होता था जिसको पॉलीनोमियल्स बोलते हैं, ठीक है, पॉलीनोमियल्स यूज़ किए जाते थे, यानी कि सेवरल वर्ड से एक नाम कंपोज्ड होता था। एज द कम्युनिकेशन अमंग द बोटनिस्ट ऑफ द वर्ल्ड इंक्रीज, अब उस टाइम पे कम्युनिकेशन जो है बहुत ज़्यादा कम था, लेकिन जैसे जैसे बोटनिस्ट के अंदर, अलग अलग टाइप के वर्ल्ड के बोटनिस्ट के अंदर कम्युनिकेशन बढ़ता गया, वैसे वैसे और ज़्यादा अपेरेंट जो है ये लाज या फिर नोमेनक्लेचर बनता गया। तो जो जैसे जैसे इनके बीच में क्या बना,
कम्युनिकेशन बढ़ा, बिकेम अपेरेंट दैट ओनली पार्शियल स्टेबिलिटी ऑफ द नेम्स वॉज अकम्प्लिश्ड बाय द यूज ऑफ बाइनोमियल्स एंड दैट ग्रेटर स्टेबिलिटी वुड डिपेंड लार्जली ऑन द एडोप्शन ऑफ रूल्स टू गवर्न द एप्लीकेशन ऑफ द प्लांट नेम्स. ये देखा गया कि पार्शियल स्टेबिलिटी है इन बाइनोमियल नोमेनक्लेचर की या फिर इन नाम्स की, तो ग्रेटर स्टेबिलिटी के लिए इनके लिए कुछ रूल्स बनाए गए, जो प्लांट्स नेम के लिए कुछ रूल्स होते हैं जिनको फॉलो करना होता है. फर्स्ट इंटरनेशनल बोटैनिकल कांग्रेस वॉज हेल्ड इन लंदन इन 1866 फॉर द प्रिपरेशन ऑफ अ ड्राफ्ट ऑफ द लॉज ऑफ द नोमेनक्लेचर. तो इसके लिए कि कुछ लॉज होने चाहिए नाम्स के लिए, प्लांट के नाम्स के लिए, तो लॉज ऑफ नोमेनक्लेचर के लिए एक ड्राफ्ट बनाया गया इस फर्स्ट इंटरनेशनल कांग्रेस के अंदर इन 1866. इसके बाद इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटैनिकल नोमेनक्लेचर ICBN रोशर कोड 1852 फर्स्ट टाइम रिकमेंडेड दैट ईच न्यू स्पीसीज, जो भी हमें नई स्पीसीज मिलती है, स्पीसीज पब्लिश्ड वॉज टू बी बेस्ड ऑन आ डेजिग्नेटेड हर्बेरियम स्पीसीज, जिसको टाइप स्पेसिमन बोला जाता है कि उसके ऊपर ये बेस होनी चाहिए टाइप स्पेसिमन के ऊपर. दिस कांग्रेस अपॉइंटेड द ग्रेट फ्रेंच बोटेनिस्ट अल्फोंसे डी कैंडोले, ठीक है, AP डी कैंडोले को इन्होंने क्या किया, इस कांग्रेस ने अपॉइंट किया टू ड्रा अप अ ड्राफ्ट फॉर द रूल्स ऑफ नोमेनक्लेचर, नोमेनक्लेचर के लिए कुछ रूल्स बनाने के लिए. और इन्होंने एक रिपोर्ट तैयार की गई जिसको नेक्स्ट कांग्रेस जो कि पेरिस में 1867 के अंदर हुई थी उसके अंदर प्रेजेंट किया गया, जिसको पेरिस कोड या फिर कैंडोलियन कोड बोला जाता है. द इंटरनेशनल कांग्रेस आर हेल्ड पीरियोडिकली, टाइम टू टाइम ये चलती रहती है, एंड रूल्स एंड द रिकमेंडेशंस पास्ड एट दीज कांग्रेसेस आर पब्लिश्ड एज इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटैनिकल नोमेनक्लेचर. ICBN के अंदर ये पब्लिश होते रहते हैं. ICBN का काम क्या है, फॉर्मेशन एंड यूज ऑफ स्पेसिफिक नेम्स ऑफ द प्लांट. इसका काम है कि यहाँ पे जो फॉर्मेशन होती है एंड जो यूज़ होता है साइंटिफिक नेम्स ऑफ द प्लांट्स का, उसके ऊपर देखने का, उसको गर्न करने का. द प्रेजेंट ICBN इज़ द रिजल्ट ऑफ मैनी ईयर्स ऑफ ट्रायल्स एंड एरर. अब जो प्रेजेंट में हमारी जो ICBN के रूल्स हैं वो बहुत सालों के ट्रायल्स एंड एरर्स के रिजल्ट है. The foundations of the code are to be found in Linnaean philosophy. ठीक है, Linnaean philosophy botanica के अंदर ये codes की जो foundation है वो वहाँ पर लिखी हुई है, where he laid down the main points of nomenclature in the form of aphorisms. अब इसके अंदर लीनीज फिलोसफिया बोटैनिका के अंदर कुछ टाइप के मेन पॉइंट्स ऑफ नोमेनक्लेचर लिखे गई है, और वो नोमेनक्लेचर लिखे गई है एफोरिजम्स की फॉर्म में, यानी कि कहावतों की फॉर्म में. इसके बाद कुछ रूल्स आते हैं, ठीक है, जो रूल्स, ये रूल्स क्या करते हैं, ये रूल्स बताते हैं कि नाम कैसा होना चाहिए, एक बोटैनिकल या फिर एक बाइनोमियल नेम कैसा होना चाहिए. तो इसमें कुछ रूल्स है. फर्स्ट रूल आता है रूल 249. तो इस 249 रूल के अकॉर्डिंग क्या है कि जेनरिक नेम 1.5 feet लॉन्ग, दोज ऑफ डिफिकल्ट प्रोनाउंसिएशन एंड रिपल्सिव नेम्स मस्ट बी अवॉइडेड. कि ना तो वो बहुत ज़्यादा लंबे हो, ना उनकी प्रोनाउंसिएशन बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो, एंड वो रिपल्सिव नहीं होने चाहिए, कि वो हेटफुल नहीं होने चाहिए, वो एक्सेप्ट ना कर सके, ऐसे नहीं होने चाहिए. इसके बाद नेक्स्ट कोड है, नेक्स्ट रूल है 257. इस रूल के अकॉर्डिंग स्पेसिफिक नेम मस्ट डिस्टिंग्विश अ प्लांट एंड इट्स ऑल रिलेटिव्स. जीनस में तो ये होता है कि कई सारे स्पीसीज इंक्लूड होती है जो कि नियर बाई क्लोजली रिलेटेड भी हो सकती है, लेकिन जो स्पेसिफिक नेम है, यानी कि जो स्पीसीज का नेम है, वो प्लांट के ऑल रिलेटिव से अलग होना चाहिए. इसके बाद रूल 260 के अकॉर्डिंग साइज डज नॉट डिस्टिंग्विश स्पीसीज. साइज का कोई मैटर नहीं होता है कि वो स्पीसीज को डिस्टिंग्विश करे, उनको अलग करे या फिर उनको सेपरेट करे. रूल 264 द ओरिजिनल प्लेस ऑफ अ प्लांट डज नॉट गिव स्पेसिफिक डिफरेंसेस. एंड जो ओरिजिनल प्लेस है प्लांट का, वो कोई ऐसा स्पेसिफिक डिफरेंस भी उसको नहीं देना चाहिए.
रूल 666, कलर इज नॉट अ गुड एज अ स्पेसिफिक डिफरेंस, कि किसी स्पीसीज का हमें डिफरेंस करना है एंड उसके लिए हम कलर चूज कर रहे हैं, तो कलर एक गुड करेक्टर यहाँ पे नहीं माना जाएगा. रूल 284, अ जेनरिक नेम मस्ट बी अप्लाई टू ईच प्लांट स्पीसीज. ठीक है, जेनरिक नेम जो है हर एक प्लांट स्पीसीज के ऊपर अप्लाई होना चाहिए. एंड रूल 285, स्पेसिफिक नेम शुड ऑलवेज फॉलो द जेनरिक नेम. जो भी स्पेसिफिक नेम है वो जेनरिक नेम को फॉलो करना चाहिए, कि पहले जीनस आना चाहिए फिर स्पीसीज आनी चाहिए. ठीक है, तो ये स्पेसिफिक नेम होता है. जैसे कि हम अगर पाइजम सैटिवम का नाम लें, पाइजम सैटिवम सैटिवम, तो पी गार्डन पी का, तो इसमें ये जीनस है एंड ये स्पीसीज है, तो ये पूरा एक नाम है. तो ये क्या कर रहा है, ये जीनस जो है, ये जो स्पेसिफिक नेम है, ये जीनस को, जेनरिक नेम को फॉलो कर रहा है. तो ये कुछ टाइप के रूल्स है, रूल 249, जिसके अंदर बताया गया है कि बहुत ज़्यादा लंबे नाम नहीं होने चाहिए, उनकी प्रोनाउंसिएशन डिफ़िकल्ट नहीं होनी चाहिए, हेटफुल नाम नहीं होना चाहिए. रूल 257 के अकॉर्डिंग बताया गया कि जो स्पेसिफिक नेम है वो उसके और प्लांट्स के जो रिलेटिव्स हैं उनसे अलग होना चाहिए. 260 के अंदर बताया गया कि जो साइज़ है वो स्पीसीज़ को अलग करने का कोई ऐसा जो है एक करैक्टर नहीं हो सकता है. रूल 264 के अकॉर्डिंग बताया गया कि ओरिजिनल प्लेस जो है प्लांट का वो कोई स्पेसिफिक डिफरेंस नहीं बताता है. 266 के अंदर कि कलर कोई हम करैक्टर नहीं चूज़ कर सकते हैं स्पेसिफिक डिफरेंस के लिए. 284 के अंदर कि जेनरिक नेम को, जेनरिक नेम जो है मस्ट बी अप्लाइड फॉर ईच प्लांट स्पीसीज, ये सब स्पीसीज पे अप्लाई होना चाहिए. एंड रूल 285 कि जो जेनरिक नेम है वो क्या करना चाहिए, वो जेनरिक नेम जो स्पेसिफिक नेम है वो जेनरिक नेम को फॉलो करता है, यानी कि जेनरिक नेम के बाद ये होता है. तो ये कुछ टाइप के रूल्स होते हैं जो कि यहाँ पे बाइनोमियल नोमेनक्लेचर के अंदर पाए जाते हैं. इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे एक और रूल रह गया है, रूल नंबर 291. तो रूल 291 के अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या होता है कि स्पेसिफिक नेम द शॉर्टर इज बेटर, जितना स्पेसिफिक नेम शॉर्टर होगा उतना ही ज़्यादा अच्छा होगा. तो ये कुछ रूल्स हैं यहाँ पे बाइनोमियल नोमेनक्लेचर के अंदर. इसके बाद कुछ अलग अलग टाइप के कोड्स आते हैं. ठीक है, अलग अलग टाइप के कोड्स आते हैं बाइनोमियल नोमेनक्लेचर के, या फिर हम बोल सकते हैं कोड्स नहीं बोलेंगे हम, कंपोनेंट्स होते हैं. कंपोनेंट्स के अंदर कुछ अलग टाइप के कोड्स यहाँ पे आते हैं. ठीक है, कुछ अलग अलग टाइप के कोड्स यहाँ पे आएंगे. नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे इन कंपोनेंट्स के बारे में, कि इस बाइनोमियल नोमेनक्लेचर के क्या कंपोनेंट्स होते हैं. तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर. वीडियो अगर हेल्पफुल लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, इन चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए. थैंक यू सो मच.